महिला बाल विकास विभाग में पदस्थ एक पर्यवेक्षक की शिकायत पर अनुसूचित जाति आयोग ने जांच शुरू कर दी है। पर्यवेक्षक ने डीपीओ अब्दुल गफ्फार पर अनैतिक कार्य करने का दबाव बनाने और मना करने पर नौकरी से बर्खास्त करने का आरोप लगाया है और भिंड ग्रामीण परियोजना में तैनात रही प्रभारी सीडीपीओ मनीषा मिश्रा और ड्राइवर पर उनकी मदद करने के भी आरोप लगाए हैं। गौरतलब है कि भिंड ग्रामीण परियोजना में तैनात रही पर्यवेक्षक ने अनुसूचित जाति आयोग में शिकायत करते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी अब्दुल गफ्फार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने शिकायत में कहा है कि अब्दुल गफ्फार मुझे गंदी नजरों से देखते हैं और अनैतिक कार्य करने का दबाव बनाते हैं। एक दिन उन्होंने मीटिंग के बाद शाम 6 बजे के बाद कमरे में आने के लिए कहा, मैंने मना कर दिया तो उन्होंने मुझे नौकरी से बर्खास्त करने की धमकी दी। पर्यवेक्षक ने इस काम में तत्कालीन पर्यवेक्षक मनीषा मिश्रा और ड्राइवर रामकिशोर कुशवाहा पर भी अब्दुल गफ्फार की मदद करने के आरोप लगाए हैं। डीपीओ की बात न मानने पर उनके द्वारा ना तो मेरा 5 माह का मेडिकल स्वीकृत किया गया और ना 2021 और 2022 की वेतन वृद्धि लगाई गई है। पर्यवेक्षक की शिकायत पर अनुसूचित जाति की वरिष्ठ अन्वेषक विद्या खोबरेकर ने भिंड कलेक्टर को पत्र लिखकर 15 दिन में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। पोस्टिंग से लेकर अभी तक लगातार विवादों में रहने वाले जिला कार्यक्रम अधिकारी अब्दुल गफ्फार एक बार फिर विवादों में हैं और इस बार विवादों के साथ साथ उन पर गंभीर आरोप भी लगे हैं और ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि उनके विभाग में काम करने वाली ही एक सुपरवाइजर ने लगाए हैं और ये लगाए गए आरोपों में सुपरवाइजर ने उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि लगातार उसको प्रताड़ित कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उस सुपरवाइजर ने ये जो शिकायत की है वो अनुसूचित जाति आयोग में शिकायत की है और उसमें ये गंभीर आरोप लगाए हैं कि जिला कार्यक्रम अधिकारी उस पर गंदी नजर रखते हैं और अकेले में मिलने के लिए बुलाते हैं। इसके अलावा उसने जो आरोप लगाया है उसमें उसने ये भी कहा है कि यहाँ तत्कालीन ग्रामीण की सीडीपीओ रही मनीषा मिश्रा और एक ड्राइवर पर भी सहयोग करने का आरोप लगाया है और इसकी शिकायत के लिए शिकायत की है, उसका पत्र भी भिंड कलेक्टर के पास आ गया है और 4 महीने से वो जांच पेंडिंग पड़ी है। उसमें अभी तक जिला कार्यक्रम अधिकारी को नोटिस जारी हो चुका है, उसके बाद भी उन्होंने अभी तक अपने बयान दर्ज नहीं कराए हैं और उसने आरोप भी लगाया कि हम उससे पहले जिला प्रशासन से भी शिकायत कर चुके, उसने कोई कार्रवाई नहीं की है, उसके बाद हम हटाकर अनुसूचित जाति आयोग में अपनी शिकायत दर्ज कराने आए हैं। अब देखना होगा कि शिकायत पर जिला प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। कौशल शर्मा, न्यूज ऑब्जर्वर, हिंदी।